हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने गए एसडीएम डॉक्टर यूनुस पर जानलेवा हमला हुआ है। बुधवार सुबह जब एसडीएम कार्रवाई करने जा रहे थे तो उन्हें ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। राज्यसभा के वेल में आज टीडीपी सांसद सीएम रमेश अचानक बेहोश हो गए। रमेश तेलंगाना के मुद्दे पर पिछले चार दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के हाजीपुर में मिड डे मील खाने से 27 बच्चे बीमार हो गए, सभी को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बच्चों के मुताबिक खाने में छिपकली गिर गई थी। पंजाब के गुरदासपुर में 15 साल के लड़के ने अपने 17 साल के सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच खेल के दौरान विवाद हुआ था। रायपुर में एक सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक तनाव की वजह से उसने खुदकुशी की। राजस्थान के करौली में 9 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में 5 बेटियों की हत्या करने वाले शख्स की फांसी देर रात टाल दी गई। आज सुबह मगनलाल को जबलपुर के केंद्रीय जेल में फांसी दी जानी थी। मगनलाल ने 11 जून 2010 को नशे की हालत में अपनी 5 मासूम बेटियों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। इसके बाद मगनलाल ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया था। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक 24 साल के युवक की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। युवक की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगा है। दिल्ली के द्वारका में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 24 साल का श्रवण जब शराब पीकर घर आया तो किसी बात पर पिता से उसकी बहस हो गई थी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में 7 साल के एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। एक दुकान में लगे लोहे की पाइप में करंट था जिसे छूते ही उसकी मौत हो गई। गोरखपुर में एसएसबी जवानों ने दिमागी बुखार को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान जवानों ने न केवल लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया बल्कि दवाइयां भी बांटी। मुरादाबाद में 20 किसानों ने जमीनों के फर्जी दस्तावेज लगाकर यूनियन बैंक को 2 करोड़ की चपत लगा दी। कानपुर में एक लड़के की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक रूपेश पिछले 4 दिनों से लापता था। 30 जुलाई 2013 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए हवलदार सोदान सिंह के परिवार वाले अनशन पर बैठ गए हैं। मथुरा के नगला अड्डा गांव में अनशन कर रहे इस परिवार का आरोप है कि सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। मेरठ में चेकिंग के नाम पर उगाही करना ट्रैफिक पुलिस के जवान को भारी पड़ गया। इस जवान ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के भतीजे की गाड़ी रोक ली और पैसों की डिमांड की। विरोध करने पर पुलिस वाले मारपीट करने लगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रहस्यमय बुखार से 10 दिन के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से की है। बिहार के भोजपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। बाढ़ से घिरे शाहपुर ब्लॉक के लोग मुश्किल में हैं। आधा दर्जन लोगों के साथ दर्जन भर मवेशियों की मौत हो चुकी है। बिहार के मनेर में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी में पानी बढ़ने से कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। पटना में आज आईटीआई के छात्रों पर जमकर लाठीचार्ज हुआ। आईटीआई परीक्षा पेपर लीक होने के बाद पूरे राज्य में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पाकिस्तान के हमले के विरोध में हरियाणा के करनाल में भूतपूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। भूतपूर्व सैनिकों ने एक मार्च निकाला। गीतांजलि मर्डर केस में सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम गुड़गांव पहुंच चुकी है। असम के जोरहाट जिले में 11 साल की बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। असम के अगरतला में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे से निकाले गए 5 मजदूरों में 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। और असम में ईद का चांद दिख गया है। कल ईद मनाई जाएगी। त्योहार से पहले देशभर के बाजारों में खूब रौनक है।